Asian news break coming in. According to US officials, China's newest nuclear attack submarine has sunk in a shipyard accident in a setback to the country's attempts. फिर से शी जिनपिंग की बड़ी जोर से नाक कटी है, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं मैं, चाइनीज की एक सबमरीन डूब चुकी है। ये चाइनीज का जो मिलिट्री माइट है वो एक हवा है और कुछ नहीं। जो चाइना है वो इसराइल में भी चाहता है कुछ पंगा करे, साउथ चाइना सी में भी चाहता है कुछ पंगा करे, इंडिया में भी चाहता है। दरअसल चाइना मोहल्ले की वो आंटी है जिसकी नजर सब पे रहती है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है उसको वो नहीं पता। ये भारतीय जो नेवी की शिप्स होती है उन्हें देखते चाइनीज शिप हथियार डाल देते हैं, तो भारत की हो सकता है कि आपको संख्या कम लगे, शायद 350 भारत के पास ना हो, लेकिन जो भारत की क्वांटिटी है वो खुद में क्वालिटी है, भले ही क्वालिटी वाली क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ क्वांटिटी है। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात हो रही है जो कि लगभग जून में मतलब डूब गई थी, और चाइना इसको लेकर काफ़ी प्राउड फील करता था। लेकिन अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन यूएस की तरफ से रिलीज़ की गई है कि चाइना की ये न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में डूब गई है, तो डेफिनेटली ये खबर दुनिया में आग की तरह फैल गई है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। नाक कटी है क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ मैं, चाइनीज की एक सबमरीन डूब चुकी है। हुआ क्या है कि भाई अभी एक रेवलेशन आई है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस और कई अदर देशों के तरफ से, जापान से भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आनी शुरू हो चुकी है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन SSN है, दिस इज अ जो क्लास सबमरीन, इनकी लेटेस्ट कैटेगरी की सबमरीन है विच इज एक्चुअली गॉन डाउन। अब सवाल पूछे जा रहे हैं चाइना की से कि साहब मुझे ये आप जरा बताओ इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल था कि नहीं था। अब चाइना की तरफ से तो कोई जवाब आएगा नहीं, लेकिन दीज आर द बिग क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग। एंड देखिए कहीं ना कहीं काफी हद तक चाइनीज मिलिट्री के ऊपर बहुत टाइम से ये प्रेशर चल रहा है। दिस इज अ लार्ज सबमरीन, इट्स नॉट अ स्मॉल लिटिल थिंग कि ये गिर गई है। फ्यूल के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, और काफी फ्लोटिंग क्रेन्स उस जगह पे देखी गई है वुहान के यू नो शिपयार्ड के वहां पर, हु वाज ट्राइंग टू एक्चुअली सैल्वेज दिस। नाउ ये इंसिडेंट हुआ है 12 जून और 17 जून के बीच में, जहां पर ये शिपयार्ड में टेस्टिंग और बेसिकली अपनी जो बेस ट्रायल्स कर रही थी वहां पर, कुछ फिटिंग चल रही थी वहां पर। एंड दिस इज अ ब्रांड न्यू सबमरीन जिसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कि उसके पीछे देयर इज अ एक्स सॉर्ट ऑफ अ शेप व्हिच इज देयर। चाइनीज कहते हैं कि भाई वो शेप से थोड़ी मनूवरेबिलिटी बेटर होती है और चीजें बेटर हो जाती है उस सबमरीन के लिए, लेकिन व्हाट वी आर सीइंग इज भाई मनूवरेबिलिटी का तो पता नहीं, लेकिन सिंकिंग रेट बहुत अच्छा है चाइना की सबमरीन का। अब ये जो एक इंसिडेंट होता है ये बहुत सारे सवाल उठाता है। अभी इन लोगों ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिसेंटली लॉन्च किया था, उसको बाय द वे लॉन्च करा, एक सी ट्रायल के लिए लेके गए, वापस आया, कहते रिपेयर्स एंड रीफिटिंग एंड अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। ओ भाई 6 महीने पहले तुमने लॉन्च करा, उसको कहां रिपेयर रीफिटिंग और अपग्रेड के लिए लेके जा रहे हो। आप इसी चीज को कंपेयर करिए, हमारे जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज नाउ बीन टेकन इन टू द नेवी एंड इंडक्टेड फॉर ऑपरेशनल ड्यूटीज, ये करीब 1-1.5 साल के अंदर पूरी तरह से इंटीग्रेट सिस्टम इंटीग्रेशन करके इंडियन नेवी हैज स्टार्टेड यूजिंग दैट फॉर रेगुलर ऑपरेशंस। This is called professionalism, not what Chinese are doing. ये Chinese का जो military might है वो एक हवा है और कुछ नहीं। जो चाइना है वो इसराइल में भी चाहता है कुछ पंगा करे, साउथ चाइना सी में भी चाहता है कुछ पंगा करे, इंडिया में भी चाहता है। दरअसल चाइना मोहल्ले की वो आंटी है जिसकी नजर सब पे रहती है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है उसको वो नहीं पता होता। वो हुआ है चाइना के साथ। चाइना चाह रहा था कि 2030 तक वो 65 सबमरीन बनाए और 2035 तक वो 80 सबमरीन बनाए। दरअसल चाइना के लिए जरूरी है कि वो बहुत सारी सबमरीन्स बनाए। कारण यह है कि उसके जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है और उसके दुश्मन उससे भी ज्यादा है। उसे जापान से खतरा है, उसे ताइवान से खतरा है, उसे साउथ कोरिया से खतरा है, उसे भारत से खतरा है। यानी भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के पास हो सकता है कि संख्या बल कम हो, लेकिन भारत की जो टेक्नोलॉजी है, नेवल पावर है, मैं कंपेयर कर रहा हूं दो कंट्रीज को, अमेरिका से तो मैं उसे कंपेयर ही नहीं कर सकता, मैं भारत से कंपेयर करने का प्रयास कर रहा हूं चाइना को, तो भारत की हो सकता है कि आपको संख्या कम लगे, शायद 350 भारत के पास ना हो, लेकिन जो भारत की क्वांटिटी है वो खुद में क्वालिटी है, भले ही क्वालिटी वाली क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ क्वांटिटी है, ये फर्क आता है। जब जो सोमालियन पायरेट्स आते हैं, SOS कॉल आती है शिप्स के द्वारा, चाइनीज शिप पास होती है, वो अपना वो ट्रांसपोंडर बंद कर देती है, भैया हमें तो सुनाई नहीं। इंडिया वाले जो उनसे कई गुना दूर होते हैं वो आते हैं, वो बचाते हैं, मार्कोस कमांडोज वहां जाते हैं और मार्कोस कमांडोज की जो शिप्स होती हैं, भारतीय जो नेवी की शिप्स होती हैं, उन्हें देखते ही सोमालियन पायरेट हथियार डाल देते हैं। सबसे पहले जो सवाल उठाता है भाई चाइनीज की कैपेबिलिटी का, क्योंकि देखिए जब ऐसी चीजें होती हैं, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम चाइनीज आर लूजिंग अ सबमरीन, तभी मैंने एक और सबमरीन बोला था। सेकेंड इंसिडेंट के बारे में अभी आपसे ऑल्सो बात करूंगा।
इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्या है पीएलए की, इंटरनल कैपेबिलिटी क्या है, और कहीं ना कहीं ये भी हमको समझ में आता है कि चाइनीज मिलिट्री के अंदर काफी भर के करप्शन है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये शी जिनपिंग खुद बोलता है, हर बारी जब वो अपनी मिलिट्री से मिलता है वो बोलता है कि भाई चाइना की मिलिट्री को करप्शन फ्री बनाना है मेरे को, दिस इज बीन वन ऑफ माई टास्क। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस करप्शन एंटी करप्शन प्रैक्टिस के चक्कर में चाइना की शी जिनपिंग ने कम से कम नहीं तो 100 से 150 सीनियर जनरल्स, जनरल लेवल ऑफिसर्स को पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर उड़ा के साइड में मारा है। आप सबको याद होगा थोड़े टाइम पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि चाइनीज की रॉकेट फोर्सेस को 4 टॉप जनरल्स और नीचे के 70 अलग ऑफिसर्स को शी जिनपिंग ने एक ही दिन में गायब कर दिया था वहां पर। इस टाइम पे रॉकेट फोर्सेस का जो चीफ है वो नेवी का है, असिस्टेंट चीफ एयरफोर्स का है, ये कोई और है, वो कोई और है, तो इज बेसिकली रिस्ट्रक्चर्ड इज आर्मी। थोड़े टाइम पहले जो इनकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स थी उसको भी इसने तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया था। साइबर कमांड अलग अलग काम कर रही है, इन्फॉर्मेशन कमांड अलग काम कर रही है, जो एक्चुअली साथ में पहले काम करते थे एंड दे वर प्रीटी इफेक्टिव इन व्हाट दे वर डूइंग। बट देखिए शी जिनपिंग को भी थ्रेट्स हैं एंड शी जिनपिंग इज फेसिंग सर्टन चैलेंजेस एज फार एज द मिलिट्री इज कंसर्न, और उसके ऊपर उसने काफी बारी बात खुद करी है। नाउ चक्कर क्या है, अगर ये सबमरीन को ये निकाल भी लेते हैं तो इनको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू ड्राई द इंटायर थिंग आउट। देखिए अगर सिंक हुई है तो ऑब्वियसली उसके अंदर पानी भरा होगा, पानी भरा होगा, उसकी सारी मोटर्स वुड हैव गॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स वुड हैव गॉन, ऑल द सर्किटरी वायरिंग जितनी भी उसके सिस्टम्स हैं सारे करप्ट हो गए होंगे। बिकॉज देखिए जो भी कह लीजिए सबमरीन पानी के अंदर जाती है लेकिन सबमरीन के अंदर पानी नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपेंड। लास्ट टाइम August 2022 में जब शी जिनपिंग साहब गए हुए थे कहां पर, ब्रिक्स की मीटिंग के लिए, कहां पर, कजाकिस्तान में, जहां मोदी साहब भी थे, जहां पर एक ब्रश उनकी मीटिंग हुई थी एंड जहां पर पता चला था कि शी जिनपिंग उसके बाद एक ही मीटिंग करके गायब हो गए थे और उन्होंने शाम का जो डिनर था उसके लिए नहीं आए, अगले दिन जो मेन एड्रेस था वो किसी और ने दिया, शी जिनपिंग काफी टेंशन में था वहां पर। अब आप देख लीजिए ये जो एक झटका पड़ा है, चाइनीज काफी टाइम से अपनी सबमरीन फ्लीट, और उनके पास काफी बड़ी सबमरीन फ्लीट है बाय द वे, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर में हमेशा आपको टेक ऑफ ऑपरेशन दिखाते हैं, कभी भी लैंडिंग ऑपरेशन दिखाते नहीं है, बिकॉज देर वर क्रैक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर जो सैटेलाइट इमेजेस में बहुत लोगों ने कंफर्म करे हैं। वो बोलते नहीं 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 ये शैडो है, ये है, ऐसे कुछ करके इन्होंने बोलने की कोशिश करी थी। उसके बाद वो चाहता है कि वो पैसिफिक में जाए और अमेरिका को काउंटर करे, तो उसे चाहिए कि उसकी बहुत बड़ी न्यूक्लियर, बहुत बड़ी सबमरीन की फ्लीट, उसमें न्यूक्लियर सबमरीन हो सकती है, उसमें डीजल पावर्ड सबमरीन हो सकती है। ज्यादातर जो सबमरीन उसके पास है अभी 50 के आसपास है, ज्यादातर डीजल पावर है, और वो है जो सोवियत और यूएस की जो टेक्नोलॉजी थी 70s 80s, वो अभी भी उसी दौर की टेक्नोलॉजीज को लेकर चल रहा है। तो SSN और SSK जो कहते हैं डीजल पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, वो है उसमें, लेकिन ज्यादातर उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी है। देखिए कहा तो ये चाइना को ये जाता है कि उसके पास बहुत बड़ा नेवल फ्लीट है, 350 से ज्यादा उसके पास इक्विपमेंट है, लेकिन आप उसमें देखेंगे कि ज्यादातर फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है या कोस्ट गार्ड की शिप्स हैं, वो उसे भी उनमें गिन लेता है। तो उसके नेवल की क्वांटिटी बहुत है, ठीक है, क्वांटिटी इन इटसेल्फ इज अ बिग पावर, वो क्वांटिटी इन इटसेल्फ इज अ क्वालिटी, लेकिन वो क्या उसे मैच कर सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जिस तरीके अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, बिल्कुल नहीं। उसी घटनाक्रम में जो ये सबमरीन उसकी खड़ी खड़ी गिर गई है, भारत में भी हुआ है, भारत में भी एक सबमरीन के अंदर ब्लास्ट हुआ था, वहां गैस लीकेज हो गई थी उस तरीके से, लेकिन वो सबमरीन संक नहीं हुई थी, डूबी नहीं थी, खड़े खड़े हो सकता है कि भैया भारत में कोई ऐसा हो गया था, हाइड्रोजन वाला एक ब्लास्ट हो गया था या बैटरी में कोई ब्लास्ट हो गया था, हो सकता है एक पार्ट फेलियर हो गया हो, छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं, मशीन है, मैकेनिकल फेलियर्स हो सकते हैं, यूएस के भी होते हैं, रशिया के भी हुए हैं, भारत के भी हुए हैं, लेकिन क्या डॉक पे खड़े खड़े फाइनल टेस्ट दिया जा रहा है और सबमरीन ऐसी की ऐसी बैठ जाए? कहा यह जा रहा है कि वहां पे जो क्रेन्स लगी हुई हैं, जो एरियल फुटेज लिया गया है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, उससे ये कंफर्म हुआ है कि वो ऑलरेडी डूब चुकी है, और कहा जा रहा है कि महीनों लगेंगे उसे बेड से रिट्रीव करने के लिए। उसके जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, जितना भी उसके अंदर सब कुछ था, आप ये मानिए खत्म हो चुका है, कबाड़ है, कुछ नहीं है, सबमरीन गिर गई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है न्यूज कवर करनी, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं बढ़ चढ़कर, मैं बहुत सारे अभी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो भारत के ही बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस थे, चाइना स्पॉन्सर्ड मीडिया हाउसेस, चाइना के भी और भारत में भी जो थे, जब मैं उन्हें पढ़ रहा था, कुछ यूएस के भी हैं, वो भी चाइना स्पॉन्सर्ड हैं, वो किस तरीके से। तो दोस्तों ये खबर आपने सुनी और किस तरीके से चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात हो रही थी। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने पहले फोकस किया अपनी अर्थव्यवस्था को, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो दुनिया के
दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था बन गई और बहुत जल्द शायद आने वाले समय में दुनिया की नंबर वन बन जाए। फिर इसने फोकस किया किस तरीके से वो अपने आर्मी को, अपनी मिलिट्री को मजबूत करे और कैसे अपने रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना ज़्यादा बजट बढ़ाया, और धीरे धीरे इन्होंने इस चीज़ पर फोकस करने के बाद आजू बाजू के जो इसके पड़ोसी हैं, जो 22 पड़ोसी हैं, उस उन पर इसने डेफिनेटली हर जगह कहीं ना कहीं पंगे छेड़े कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। इसके चाइना के हर कंट्री के साथ पंगे, हर कंट्री के साथ। अब ऐसी खबर आती है कि चाइना का न्यूक्लियर सबमरीन डूब रहा है। अगर ये इंडिया के साथ होता तो इंडिया की आर्मी का मजाक उड़ाया जाने लगता, या इंडिया की नौसेना, थलसेना, इन सब का कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ होती तो डेफिनेटली ये मजाक के तौर पर ली जाती। चाइना के साथ हुआ है तो चाइना का भी मजाक तो बनेगा, बट चाइना ने किस तरीके से इसको कितना छुपाने की कोशिश की, और डेफिनेटली चाइना की तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगा। चाइना का बेटा पाकिस्तान वो भी कुछ नहीं बोलने वाला है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कॉमेंट में बनाए थे चैनल को।